नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। चितरंगी, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, पार्टियों की सरगर्मी तेज पड़ती जा रही है। आज चितरंगी विधानसभा में उत्तर प्रदेश सरकार के जल संसाधन मंत्री दिनेश खटीक का एक दिवसीय प्रवास रहा, जिसमें सिंगरौली के 3 विधानसभाओं का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। आज चितरंगी विधानसभा के 6 मंडलाध्यक्ष और पदाधिकारी कार्यकर्ताओं की बैठक लिया। बैठक में चितरंगी विधानसभा के विधायक अमर सिंह, जिलाध्यक्ष राम सुमिरन गुप्ता, प्रदेश कार्य समिति सदस्य गिरीश द्विवेदी, जिला महामंत्री लालपति साकेत, जिला मंत्री प्रवेंद्र धर, मंडल अध्यक्ष प्रकाश नारायण जसवाल, मंडल महामंत्री हर्ष सिंह सहित कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज हमारे बीच में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश खटीक जी हैं। आज चितरंगी विधानसभा में इनका एक दिवसीय प्रवास है। आइए, मीटिंग लिए थे, जानते हैं क्या कुछ क्या जी। आज मेरे लिए बहुत ही परम सौभाग्य का दिन है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे मध्य प्रदेश के अंदर एक प्रवासी कार्यकर्ता के रूप में मैं यहाँ पर आया हूँ और मैं उत्तर प्रदेश सरकार में जल शक्ति राज्य मंत्री हूँ और मेरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हस्तनापुर विधानसभा से मैं विधायक चुन करके आया हूँ और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में प्रवासी कार्यकर्ता के रूप में लगाया है और मैं आज सिंगरौली जिले की चितरंगी विधानसभा में, हमारे चितरंगी विधानसभा में 6 मंडल हैं, 6 के 6 मंडलों की बैठक करने के लिए मैं यहाँ पर आज आया हूँ और बहुत ही अच्छा वातावरण भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में यहाँ पर मुझे मिला। बड़े जोर शोर के साथ सभी शक्ति केंद्रों की यहाँ बैठक हो चुकी है, सभी बूथ की बैठक हो चुकी है। हमारे मंडल अध्यक्ष से लेकर के महामंत्री से लेकर के उपाध्यक्ष और मंत्री से लेकर के पूरी भारतीय जनता पार्टी के 6 मंडलों ने पूर्ण रूप से, भारतीय जनता पार्टी यहाँ 60,000 से विजयी हुई थी पिछली बार विधानसभा के चुनाव में। अब की बार लक्ष्य ये है कि हम यहाँ से 1,00,000 वोट से कम यहाँ से जीत विजयी करें और चितरंगी विधानसभा को जीत करके पूरे सिंगरौली जिले की 3 विधानसभा को हम लोगों को जीतना। चितरंगी से खबर समय जगत के लिए रजनीश साहू की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.